हमारा चारा दीजिए, मेरा भी तो मेरे साथ बहुत आप ही बताओ हम ऐसा करें। ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, ओ मेरी बच्ची, हमारा चारा दीजिए, मेरा भी तो मेरे साथ बहुत पुलवामा में रह रहा था जब आतंकवाद दहशतगर्दी उरूज पर थी, उस वक्त भी ये कश्मीरी पंडित परिवार जो संजय शर्मा साहब का परिवार है वो वहीं पुलवामा के अचिन गांव में रहता था। गांव के लोगों के साथ संजय शर्मा साहब और उनके परिवार के बहुत दोस्ताना ताल्लुकात थे, मिलजुल कर सब रहते थे, ईद हो दिवाली हो सब मिलके मनाते थे और बड़ी खुशी खुशी संजय शर्मा साहब का परिवार पुलवामा के अचिन गांव में रहता था। लेकिन पाकिस्तान के कायर बुजदिल दहशतगर्दों ने कायराना हमला किया पीठ पर, उस वक्त संजय शर्मा साहब के ऊपर वार किया जब वो बीमारी की हालत में हॉस्पिटल में इलाज करवाने अपनी बीवी के साथ जा रहे थे। वो एक गरीब मजदूर परिवार से ताल्लुक रखते थे, खुद मजदूरी करते थे, बहुत गरीब थे, मजलूम थे और उनके दोनों माता और पिता उनकी पहले से ही वफात हो गई, डेथ हो गई। एक अनाथ इंसान को, एक मजलूम इंसान को, एक मजदूर इंसान को और एक बीमारी की हालत में मजबूर इंसान के जिस्म को गोलियों से छलनी छलनी किया है पाकिस्तान के इन कायर दहशतगर्दों ने। यह इंसानियत का कत्ल हुआ है, कश्मीरियत का खून बहा है, कश्मीरियत को लहूलुहान किया है पाकिस्तान के इन बुजदिल दहशतगर्दों ने। यह कौन सी बहादुरी है कि एक मजलूम को, मजदूर को, एक बीमार को, एक लाचार को, एक अनाथ को गोलियों का शिकार बना दिया गया? यह कौन सी बहादुरी है? यह बुजदिलाना, कायराना जो हरकत साउथ कश्मीर के अचिन गांव में हुई है, यह बहुत बड़ा गुनाह, पाप, महाअपराध पाकिस्तान के इन कायर दहशतगर्दों ने किया है, जिसकी भारी कीमत इन दहशतगर्दों को चुकानी पड़ेगी।